नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे 500 रुपए का लॉस दिखा रहा है। मतलब मैंने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे 21975 के आसपास मैंने चार लॉट एक्चुअली बैंक निफ्टी के बाय किए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो देख सकते हो आप 1300 रुपए के आसपास कुछ लॉस दिखा रहा है अभी, 1300-1500 ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो जैसे ही ट्रेड आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको उसके साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो देख सकते हो निफ्टी भी डाउन जा रहा है और बैंक निफ्टी भी डाउन जा रहा है, लेकिन मैंने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लिया है। थोड़ा बाय साइड ट्रेड लिया है मैंने। मुझे लगता है यहाँ से 40-50 पॉइंट की ऊपर साइड मूवमेंट हो सकती है, एक रिट्रेसमेंट की मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में रिट्रेसमेंट का। तो रिट्रेसमेंट का फायदा लेने के लिए मैंने ये ट्रेड लिया है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये लगभग हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है, तो शायद लगता है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। देखिए आज हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और हमारा टोटल लॉस हुआ है 3100 रुपीज। तो आपको लगता होगा कि मेरा रोज ही प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, लॉस में प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन आपके पास वो सब होना चाहिए माइंडसेट। तो मैं फिर से एक बार ट्रेड लिया हूँ मैंने, तो अभी देखते क्या है। तो मैं फिर से बैंक निफ्टी को अभी मैं सेल करूंगा, ट्रेंड के साथ जाऊंगा। पहले ट्रेंड के अपोजिट गया तो लॉस हुआ, लेकिन लॉस भी मेरा सीमित था दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो रोज मैं 6-7 हज़ार का प्रॉफिट कमाता हूँ और मैंने लॉस बुक किया 3000 का। तो ये आपके पास होना जरूरी है, लॉस कम रखो और प्रॉफिट ज्यादा रखो। तो मैंने अभी यहाँ पे फिर से चार लॉट सेल किए मैंने। तो देखते हैं, हमें लगभग ऑर्डर मिल चुका है। तो हमारा सेलिंग प्राइस था 22007। तो हमें ऑर्डर मिल चुका है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट मॉडिफाई करना पड़ेगा। चार्ट इसलिए मैं बार बार देखता हूँ कि आपको तो पता होगा, मेरे वीडियो आप देखते होंगे, तो मुझे प्राइस एक्शन कंफर्म हमारे डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखने के लिए मुझे सेकेंड के अंदर भी कभी कभार चार्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ से मैं पहले अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने की सोच रहा हूँ। तो पहले हमारा इस और एक ये ट्रेड था, उसमें रिस्क था लगभग 5000 रुपये का, उसको मैं अभी कम कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हो मैंने अपना जो रिस्क था और भी कम कर चुका हूँ। अभी इस ट्रेड में मेरा लगभग रिस्क कुछ 2000 के आसपास ही बनेगा। तो स्टॉप लॉस के वजह मैं टारगेट भी मॉडिफाई कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो। तो मैंने अपना टारगेट सेट किया है 21950 के आसपास और हमारा सेलिंग प्राइस था आपको पता है 22007 के आसपास था। तो हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, अभी हमने सेल किया था और ये सेलिंग साइड में जा रहा है। तो पहले 3000 का लॉस था, अभी वो पूरा कवर करके देख सकते हो आप, MTM में 200 का प्रॉफिट चल रहा है। तो स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना पड़ेगा दोस्तों। हर एक ट्रेड में अपना हमेशा स्टॉप लॉस मतलब रिस्क कम करते रहो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा लो लेकिन रिस्क हमेशा कम रखो। तो ये सारी चीजें सिखाता रहता हूँ मैं। तो देख सकते हो अभी मैं अपना रिस्क और भी कम कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा टारगेट में और ले रहा हूँ, क्योंकि पहले 3000 का लॉस हुआ था तो वो पूरा करके और हमें प्रॉफिट चाहिए ना। तो थोड़ा सा मैं और 20 पॉइंट का मतलब और 2-3 हज़ार का प्रॉफिट एक्स्ट्रा के लिए थोड़ा सा उसको ट्रेल कर रहा हूँ। तो चलिए देखते क्या हो रहा है। ये पूरा हो जाएगा अभी मॉडिफाई, मुझे करने दीजिए। देखिए मैंने तीनों टारगेट हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर चुका हूँ और जो स्टॉप लॉस था वो पूरा जहाँ पे मैंने सेल किया था वहाँ पे लाके उसको खड़ा कर रहा हूँ। अभी देख सकते हो अभी खाली 300 रुपये की रिस्क है मेरी इस ट्रेड में। आप बोलोगे क्या है, तो यही होता है सब, रिस्क कम रखो और रिवार्ड ज़्यादा लो। तो 300 रुपये की रिस्क के साथ अभी मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया है। तो देखते हैं जो भी है स्क्रीन के सामने आपके चल रहा है, देख सकते हो मैं कि अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो ये चलिए प्रॉफिट पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अभी MTM में कुछ 200-300 रुपये का लॉस बता रहा है, पहले 3000 का था, अभी वो पूरा कवर कर चुका है ये ट्रेड में और उसके बाद अभी हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो उसके बाद 200-300 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। तो यही होता है दोस्तों कि प्राइस एक्शन मतलब सही समय पर आपकी एंट्री होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। देख सकते हो 3000 लॉस कवर करके 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जो भी है आपके सामने चल रहा है, हमारा जो भी टारगेट है वो 22930 और 22922, मतलब मैंने स्प्लिट करके टारगेट रखा हुआ है पूरा। तो थोड़ा सा उसको ट्रेल करके लेता हूँ, लेके आता हूँ ऊपर, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ही मार्केट में। तो हमारा पहले लॉस हो चुका है, तो लॉस कवर करके प्रॉफिट मिल रहा है तो वो लेके निकल जाना अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार ट्रेड करने से फ्यूचर ऑप्शन में ब्रोकरेज और GST ज़्यादा लगता है दोस्तों, इसमें GST और ब्रोकरेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें सारी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं अपने जो मेरा रिस्क था जो टारगेट था उसको थोड़ा सा ट्रेल किया मैंने। तो चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो में जाके क्या हो रहा है। तो देख सकते हो आप मेरा पूरा लॉस कवर करके अभी 2000 ऊपर से प्रॉफिट मिल रहा है और हमारा ये टारगेट से ऊपर अभी 30-20 रुपये। देखिए टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, मैं दिखाता हूँ एक बार रिफ्रेश करके।
तो हमने आज लगभग 3,000 का लॉस कवर करके लगभग 3,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। तो वीडियो को ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी के लिए इंस्टा पे DM कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।